हे गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो। आज करो हम बात करने वाले बीएसएफ खुली रैली भर्ती 2024 बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल की बम्पर भर्ती पे आई है। बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। कितनी पोस्ट की, कैसे आपको अप्लाई करना, क्या एलिजिबल डिटेल्स चाहिए, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हो, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए। अगर आप देख रहे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, बीएसएफ ओपन रैली की नई रिक्वायरमेंट आ चुकी है। सबसे पहले इसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये खुली भर्ती होने वाली है। इसके अंदर नंबर और पोस्ट की नहीं दी जाती है। जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन सारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। पोस्ट नेम आपको बीएसएफ कांस्टेबल जीडी, एंट्री नेम आपको बीएसएफ रैली और ट्रेड आपको बीएसएफ जीडी कांस्टेबल। एनसीसी रिलेशन सर्टिफिकेट अटैच कर देना। 2-3% का आपको छूट देखने को मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम की बात करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होने वाली है। जॉब के डिफेंस की जॉब देखने को मिलेगा। वो कहने पहले तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। स्टेट वाइज यहाँ पर आपको वैकेंसी नहीं है और पूरे ऑल इंडिया का स्टेट वाइज आपको रनिंग देखने को मिलेगा और वैकेंसीज आपको ओपन रैली देखने को मिलेगा। अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड है। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। अब बात रहते हैं अप्लीकेशन फ़ी के। फॉर्म फी आपको जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 0 रुपीज़ आपको कोई पे नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो मिनिमम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। अगर आप 18 से 25 के बीच बिलोंग्स करो या फिर इस एज लिमिट के अंदर का दाते हो तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। एसटीएससी ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको छूट देखने को मिल रही है। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी के लिए 5 साल के छूट देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कितनी चाहिए, तो 12th पास चाहिए। किसी भी बोर्ड से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 45% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। फिजिकल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल के अंदर क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर हाइट आपका 166 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 और जो बच्चे नॉर्थ जोन से उनके लिए यहाँ पर 160, चेस्ट आपका 70+5 होना चाहिए। पोस्ट नेम आपको यहाँ पर जीडी कांस्टेबल, टोटल पोस्ट ओपन रैली और रैली की वेन्यू की बात करते हैं, यहाँ पर स्टेट वाइज आपको रनिंग देखने को मिलेगा। रनिंग जो हो देखने को मिलेगा वो मेल के लिए 5 किलोमीटर, फीमेल के लिए 1600 मीटर। टाइम अलग अलग है। लॉन्ग जंप आपको देखने को मिलेगा, हाई जंप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3-3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो फोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट 12th पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड में किसी एक आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और मेरिट टेस्ट, यानी कि 4 तरीके से क्वालिफाई को करना पड़ेगा। इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो हॉट ऑफ लाइक यहाँ पर दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप आप देख कर आवेदन कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। कब से अप्लाई डेट है, तो 29 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। कहाँ से करना है, तो आपका ऑनलाइन आवेदन यहीं से होगी, डाउनलोड नोटिस यहीं से होगी, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया। तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हो या फिर गूगल पर सर्च कर लेना sarkarigovernmentvacancy.com, चले जाना इस वेबसाइट पर और यहीं से आपका आवेदन होगा, यहीं से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड होगी। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट। तो जय हिंद, जय भारत।